नमस्कार आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और फिल्म रिव्यू के साथ हाजिर हूँ मैं राहुल तिवारी बॉलीवुड में बीते कुछ महीनों से समाज आधारित फिल्में बनाने का चलन बढ़ा है और ऐसे में कुछ ऐसी फिल्में भी बनाई जा रही है जो समाज की पीड़ा को भी निकल सामने रखती है ऐसी एक फिल्म है सेक्शन 375 यानी कि आईपीसी की धारा 375 जो किसी भी महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में हमसे बात करती है हमें बताती है और समाज की वास्तविक स्थिति क्या है उसमें महिलाओं के साथ किस तरह के अपराध किए जा रहे हैं इसका भी खुलासा करती है फिल्म में मुख्य भूमिका में रिचा चड्ढा अक्षय खन्ना और मीरा चोपड़ा हैं और किस तरह से एक निर्देशक एक कॉस्ट्यूम असिस्टेंट डायरेक्टर पर यौन उत्पीड़न करता है फिर उससे बचने की कोशिश करता है और उसके बाद किस तरह से देश के दो बेहद ही टैलेंटेड वकील एक तरफ किसी को न्याय दिलाने के लिए तो एक तरफ अपराधी को बचाने के लिए कोर्ट रूम में लड़ते हैं इसकी साफ साफ व्याख्या करती है फिल्म सेक्शन 375। अब जब पूरी फिल्म को लेकर सेक्शन 375 का जिक्र हो रहा है तो यहां यह भी जान लेना चाहिए कि आखिरकार धारा तीन क्या है आई की धारा तीन किसी भी महिला के साथ हुए यौन दुराचार के प्रति अपराधी को सजा दिलाने के लिए बनाई गई है और भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड में इसे बहुत ही सख्त कानून के तौर पर भी देखा जाता है किसी भी महिला के साथ यदि उसकी आपसी सहमति से यौन संबंध बनाए गए हों तो उस अपराधी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जिसे हम सेक्शन थ्री के अंतर्गत रखते हैं अलग अलग अपराधों की श्रेणी है जिसके तहत इसे क ख ग ख में भी बांटा गया है तो सेक्शन 375 के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है एक फिल्म निर्देशक हैं जो अपनी कॉस्ट्यूम डायरेक्टर का यौन शोषण करता है फिर जब उसे निचली अदालत से सज़ा होती है तो उच्च अदालत में अपील करता है और जब कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में केस पहुँचता है तब किस तरह से अपराधी को बचाने के लिए एक क्रिमिनल लॉयर और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो महिला को बचाने के लिए काम करती है ये दोनों कोर्ट रूम में अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं इसकी एक बेहतरीन बानगी है फिल्म सेक्शन 375 दोनों ही जो दृश्य हैं फिल्म के और दोनों ही जो मुख्य कलाकार हैं चाहे ऋचा चड्ढा हो या अक्षय खन्ना हो दोनों ने बेहद ही सराहनीय भूमिका निभाई है और कोर्ट रूम के दृश्यों के अलावा भी जो एक माहौल फिल्म बनाती है वह दर्शकों को काफ़ी देर तक बांधे रखता है अब फिल्म वकीलों के इर्द गिर्द ही क्यों क्योंकि 375 एक ऐसी धारा है जिसे लड़ने के लिए आपको क्रिमिनल लॉयर की ही आवश्यकता पड़ती है ये एक संगीन अपराध है और इस अपराध से बचने के लिए अपराधी अपनी खुद की पैरवी नहीं कर सकता है इसलिए क्रिमिनल लॉयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस फिल्म में क्रिमिनल लॉयर का रोल अक्षय खन्ना निभा रहे हैं और लड़की की तरफ से या महिला की तरफ से लड़ने के लिए जो एक आम केस लड़ता है उसका जो रोल है वो ऋचा चड्ढा निभा रही हैं। फिल्म क्यों देखनी चाहिए फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि समाज और सिनेमा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं सिनेमा समाज का दर्पण है और सिनेमा समाज में घट रही घटनाओं को अपने तरीके से व्याख्या करते हुए हम तक पहुंचाता है यह फिल्म भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती है कई लड़कियां हैं जिनके साथ ऑफिस में या अन्य स्थानों पर इस तरह की घटनाएं होती है लेकिन शर्म के मारे डर के मारे और किसी भी कारण के चलते शायद वे अपनी बात नहीं रख पाती हैं यदि वे हिम्मत करती हैं तो शायद उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ता है लेकिन वहाँ भी उन्हें कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ता है कानून का सहारा लेने के बाद जब मामला कोर्ट तक पहुँचता है तो बड़े बड़े वकील जो इस तरह के केस में महारथी होते हैं वे बड़ी ही शातिरता के साथ बड़ी ही चालाकी से अपराधी को बचाकर बाहर निकाल ले जाते हैं और ऐसे में न्याय के आस लिए घूमने वाली एक महिला या एक युवती वहीं पर रह जाती है फिल्म इस तरह के कई पहलुओं को उजागर करती है और शायद यही कारण है कि दर्शक इस फिल्म से खुद को बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं फिल्म की पूरी कहानी देखने के लिए तो आपको सिनेमाघर में जाना होगा लेकिन जो जानकारी हम तक थी वो जानकारी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है फिल्म निर्देशक अजय बहल ने बहुत अच्छा काम किया है और सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को बहुत ही अच्छी रेटिंग्स मिल रही हैं आप 375 देख सकते हैं और साथ ही साथ यदि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इस खबर को शेयर भी कर सकते हैं देखते रहिए टेड इंडिया अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें